हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। शादी का झांसा देकर रेप करने और अश्लील वीडियो बनाकर धमकाकर 1.5 लाख रुपए ऐंठने के मामले में महिला पुलिस ने पुणे से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जहां उसे न्यायालय में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। यमुनानगर महिला थाना प्रभारी सोमवती ने बताया कि 29 दिसंबर को महिला थाने में आकर एक युवती ने बयान दर्ज कराया कि उसे पुणे में रहने वाले एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया और इसी दौरान उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे धमकाकर उसे 1.5 लाख से अधिक रुपए ले लिए। शिकायत दर्ज होने के बाद यमुनानगर की महिला पुलिस की टीम पुणे पहुंची और पुणे पुलिस की सहायता से आरोपी को दबोचकर यमुनानगर लाया गया है, जहां अब पुलिस पूछताछ कर उससे सच उगलवाएगी। उनतीस तारीख को एक लड़की थाने में हाजिर आई थी, जिसने बताया कि उसके साथ एक लड़के ने रेप किया है, कई बार रेप किया है शादी का झांसा देके, और उसके बदले में उसने वीडियो बना के उसकी उसको धमका के मारने की धमकी देके उससे काफ़ी पैसे लूट लिए, जिस पे हमने तुरंत मुकदमा दर्ज करा 29 तारीख को ही। और 29 तारीख को ही एक टीम बनाई हमने, लड़के का जो है पता लगा कि वो पूना में कहीं रह रहा है, यहाँ से टीम बना के हमने 30 तारीख को सुबह बायर टीम भेज के हमने पूना से लड़के को गिरफ्त में ले लिया। ऑनलाइन फेसबुक है, सोशल मीडिया से भी 200 के संपर्क में। वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? लड़का राजस्थान का रहने वाला है पीछे से, लेकिन वो आजकल पूना में जॉब कर रहा है।